कर आइए। तीन बार बना कर ही बता रही है। कैसा लग रहा है मम्मी? हाँ भाप निकल रहा है, वही तो हम भी बोले, पानी में ना भाप निकल रहा है। देखिए दोस्तों मेरा गाड़ी खुद चल रहा है, नहीं चला रही, ये गाड़ी अपने आप चल रहा है। और दोस्तों देखिए हम लोग यहाँ काफ़ी दूर आ चुके हैं और काफ़ी अच्छा यहाँ का सीन है, जंगल वगैरह जो भी है। और यहाँ गाड़ी चला रही है डिम्पी, कुछ बोलना है? और अभी बहुत दूर जाना, अभी और दूर है ना, और आते आते पूरा ठंडा हो जाएगा, तो चलिए चलिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों हम लोग अब पहुंच चुके हैं झारखंड का बहुत ही भव्य मेला जो कि सूर्यकुंड मेला इस साल का। तो यहां देखिए कितना भीड़ भाड़ है और अभी हम लोग अंदर चलेंगे, तो बने रहिए हमारे व्लॉग में क्योंकि व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और देखिए अभी हम लोग अंदर जाने वाले हैं, तो यहाँ है गेट जो यहाँ से हम लोग अंदर जा रहे हैं। और देखिए चारों तरफ जो है ना वो बहुत सारा दुकानें लगी हुई है, छोटी छोटी दुकान है। तो हम लोग पहुँच गए हैं जाने वाले, चलिए आपको दिखाते हैं। तो देखिए कितना भीड़ लगा हुआ है यहाँ पे, पूरा मेला उला है। तो दोस्तों यहाँ पे 14 तारीख से मेला लगता है और पूरे जनवरी तक रहेगा, तो आप लोग भी आकर के यहाँ पे घूम सकते हैं। और काफी भीड़ है संडे होने की वजह से आज। ऐसा माना जाता है कि यहाँ की पानी शरीर पर डालने से आपकी सारी बीमारी ठीक हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए कितने लोग आकर के नहा रहे हैं। कैसा लगा पानी? पूरा गर्म है, हम भी करेंगे, चलो हम भी चुके आते हैं। बढ़िया है, इसी पानी का है यार। हाँ। सब तो डुबा रहा है। हाँ,
देखो यही है, और ये कितना धुआं निकल रहा है, यही वाला कुआं का है, मेन कुआं वहाँ का। अच्छा मेन कहाँ है? देखिए कितना धुआं निकल रहा है दोस्तों। यहाँ पे कुछ मान्यता है कि ऐसा सिक्का फेंक कर उसका एक सिक्का फेंकता है, हाँ उसका एक साल की मान्यता है, मतलब पूरा हो जाएगा। पहले पूछ लो, हमको नहीं पता है। अच्छा सर कुछ फेंक रहे हैं लोग। तो यहाँ पे हम लोग सिक्का लेकर के आए हैं, पता नहीं इससे क्या होने वाला है। किधर फेंकता है? सब लटक लटक के फेंक रही। कमर जाएगा, गिर जाएगा नीचे ना, गिर जाएगा नीचे तो मुझे काम जल जाएगा। सब जगह छोटा छोटा मंदिर है, और देखिए कितना सब भीड़ लगा हुआ है यहाँ पूरा। तो देखिए यहाँ पे सबका चखना चल रहा है दोस्तों, और क्या क्या लिए हम लोग देखिए। और हम लोग ना चखना केवल खाते हैं बस। हाँ हम लोग इसके साथ स्प्राइट रहता तो ज़्यादा अच्छा लगता। तो देखिए हम लोग कहाँ पे रुके हुए हैं। हम लोग खा लेते हैं, उसके बाद हम लोग घर चलते हैं, क्योंकि थोड़ा दूर भी है।
चलिए दोस्तों, हम लोग अब हजारीबाग पहुंच गए हैं। काफी मजा आया वहां घूम करके, और मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट ब्लॉग में।